हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप हमेशा इस चैनल पे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे जिससे आपका नॉलेज हमेशा इम्प्रूव होगा। तो चलिए आज जानने वाले हैं 8 घंटे पढ़ाई करने की स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को समझने के बाद आपकी पढ़ाई नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, 8 घंटे की पढ़ाई कैसे करें। वो हर दिन सोचते हैं कि कल से 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। वो फिर से ये कहते हैं कि कल से करेंगे। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। एक बिजनेसमैन के लिए, एक जॉब पर्सन के लिए, एक स्टूडेंट के लिए टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप अपना टाइम टेबल कैसे तैयार करें, सभी का टाइम टेबल अलग अलग होता है। जैसे दोस्तों पांचों उंगलियां एक जैसा नहीं है, वैसे ही सभी लोगों का टाइम टेबल, सभी स्टूडेंट का टाइम टेबल अलग अलग होता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी और का टाइम टेबल बिल्कुल भी फॉलो ना करें, क्योंकि सबका सिचुएशन, माहौल, इन्वायरमेंट सबका अलग अलग होता है। लेकिन एक परफेक्ट टाइम टेबल में कुछ कॉमन पार्ट्स होते हैं। मैंने एक बुक्स में पढ़ा था दोस्तों कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा सुबह को 5 बजे तक में उठ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए भी। सुबह जल्दी उठने से सबसे ज़्यादा आपको समय मिलते हैं, सुबह का माहौल भी शांत होता है। तो एक स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई करने के लिए सुबह का माहौल बहुत ही ज़रूरी है। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो भी सुबह उठना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा काम सुबह ही हो जाता है। सुबह उठने का हैबिट डेवलप करें दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपका दिनचर्या में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि 8 घंटे की पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या इंपॉर्टेंट इसमें होने वाला है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। इसलिए आप अपने समय का टाइम मैनेज बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप इसे कर लें। जब आप पूरी डेडिकेशन साथ पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपका सबसे पहले दिमाग क्या करता है, आपका स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। तो जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो अपना डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा दूर रखें। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा और आपकी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं करने देगा। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम कैसे बनाएं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आज आप इस वीडियो में 8 घंटे पढ़ाई कैसे करें हर दिन ये सीखने आए हुए हैं। तो दोस्तों मेन टॉपिक यही है कि 8 घंटे पढ़ाई कैसे करें। देखिए दोस्तों, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप क्या कीजिए, 15 से 30 मिनट तक में एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, जो भी आप करना चाहिए, वॉकिंग, टहलना, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एक एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा, आपके अंदर एक एनर्जी आएगा, आप अंदर से जोश में भर जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें पढ़ाई का स्ट्रेटजी समझना है। देखिए, जैसे ही आप सुबह उठते हैं आप कुछ समय के लिए एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद का समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप क्या करो, 1.5 घंटे का, 1.5 आवर्स का क्या करना है आपको, पढ़ाई करना है। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, 1.5 घंटे का सुबह का पढ़ाई कर लीजिए और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर से 1.5 घंटे पढ़ाई कीजिए। दोस्तों यकीन मानिए, 3 घंटे का पढ़ाई आपका बहुत ज़्यादा आपके जो पढ़ाई का पैटर्न्स है उसमें डेवलप, इम्प्रूवमेंट कर देगा। इसलिए 1.5 घंटे, 15 मिनट ब्रेक, फिर से 1.5 घंटे, इस प्रकार से आपको सुबह का पढ़ाई को कंप्लीट करना है। इस प्रकार से 3 घंटा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं दोपहर का। दोस्तों 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद एक लॉन्ग ब्रेक आपको जरूर लेना चाहिए। इससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स एंड फ्रेश होगा। उसके बाद क्या करना है, दोपहर में दोस्तों आपको 1-1 घंटे का पढ़ाई कर लेना है। 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद 15 मिनट ब्रेक, फिर से 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद फिर आपका लॉन्ग टाइम तक का ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद रात में आपको पढ़ाई करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप रात में 3 घंटे का पढ़ाई फिर से कर सकते हैं। 15 मिनट का ब्रेक लेकर 1.5-1.5 घंटे का पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप दिन के हर दिन 8 घंटे पढ़ाई कर पाएंगे, सुबह के 3 घंटे, दोपहर के 2 घंटे और फिर रात में 3 घंटे। इस प्रकार से 3-3-6-2-8 घंटे आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। लॉन्ग ब्रेक से क्या होगा, आपके ब्रेन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप जो पढ़ेंगे उसे इफेक्टली याद रखेंगे। और दोस्तों हमें एक ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसे हम आसानी से फॉलो कर सकते हैं और हमेशा के लिए आप उसे रूटीन में
ऐड कर लें। और याद रखिए, रिवीजन करना ना भूलें, सप्ताह में एक दिन आपका रिवीजन का ही दिन होना चाहिए। दोस्तों, इन टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपको अंदर से लगेगा कि अब नहीं कर पाएंगे, इसलिए पेशेंस रखना है और धीरे धीरे टाइम टेबल को फॉलो करते जाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो लगातार हैबिट्स होगा वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और आप कंटिन्यू अपने पढ़ाई को दे पाएंगे 8 घंटे हर दिन। और दोस्तों, अगर आप किसी एक दिन टाइम टेबल को फॉलो ना कर पाते हैं तो निराश ना होए, आगे से दूसरे दिन आप ये सोचें कि मुझे ऐसी गलती कभी और नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, 95% ऐसे लोग जो इस वीडियो को देखने के बाद भूल जाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस दुनिया पर राज करने के लिए 5% ही लोग आते हैं। इसलिए आपको उस 5% लोगों के अंदर आना है और अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आपका स्टडी पैटर्न में बहुत अच्छा बदलाव होगा। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।